दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10th कक्षा के दूसरे अध्याय के आगे वाले चैप्टर की। हमने पहले 10वीं कक्षा के दूसरे अध्याय का 2 वीडियो तक हमने बना लिया है और उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो पाचन तंत्र का बचा हुआ हिस्सा है और उसी पे अपन बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख ही रहा होगा, हम बात करने जा रहे हैं हमारे पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है शरीर की, उसके ऊपर अपन बात करने जा रहे हैं। तो आज इसी पे अपन बात करते हैं कि पाचन की ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर ग्रंथियां कौन कौन सी। कल हमने मलाशय के ऊपर बात कर ली थी, रेक्टम जो था अंतिम भाग था हमारे वीडियो का। आज हम बात कर रहे हैं पाचन ग्रंथियां। देखो शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों के अंदर से कुछ विशेष ग्रंथियां हैं जो पाचन के लिए सहायक होती है, उन्हें क्या कहते हैं पाचन ग्रंथियां। 10वीं कक्षा वाले ध्यान दें कि पाचन ग्रंथियों पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बड़ा प्रश्न आ सकता है कि पाचन ग्रंथि किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो आपको लाल ग्रंथियां, यकृत और आग्नाशय तीनों का वर्णन करना है। जो आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इस बात का ध्यान दें कि इनमें से कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पुट अप हो सकता है। उसके लिए अलग अलग आपका बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, इसलिए आप उसको ज्यादा ध्यान से सुनिए। रही बात कि हमारे इस वीडियो की श्रृंखला में अगर आपको लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए वीडियो नोटिफिकेशन रोज, जो डेली वीडियो चल रहा है हमारे 10th क्लास का, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो। साथ ही साथ में अब 9th क्लास का और उसके साथ में जो जनरल साइंस के दूसरे टॉपिक हैं उनके ऊपर भी हमारे वीडियो जारी होने वाले हैं। क्योंकि ये तो खाली 10वीं बेस पे हम बात कर रहे हैं कि 10th बेस में किस तरह से होगा, उसके अतिरिक्त जो वीडियो है जिनको आपको पढ़ना है वो जल्द जारी होने वाली है। तो आप लोग हमसे बने रहिए साथ में हमारे। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। आखिरकार पाचन ग्रंथियां क्या है? पाचन ग्रंथियों में 3 नाम आते हैं, एक तो लार है, एक यकृत है और एक अग्नाशय। लार ग्रंथियां क्या है आप सभी को पता है कि जब भी आपको मैं इमली का नाम लू या किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का नाम लू या हमारी आंखें किसी अच्छे खाद्य पदार्थ को देखती हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। मुहावरा सुना होगा मुंह में पानी आना। ये मुंह में जो पानी आता है वो लार ग्रंथियों के कारण ही आता है। लार ग्रंथियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, एक प्रकार का तरल चिपचिपा और श्लेष्मा वाला पदार्थ निर्माण करती है। क्या करती है? तरल है, चिपचिपा है और श्लेष्मा वाला पदार्थ का निर्माण करती है। कौन करती है? लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां किस पदार्थ का निर्माण करी है? तरल, चिपचिपा और श्लेष्मा वाला पदार्थ। दूसरी चीज, आखिरकार लार ग्रंथियों के कार्य क्या है? द्वारा ध्यान दें, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथियों के कार्य क्या है। पहला बात क्या है, एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। लुब्रिकेंट इज इक्वल टू स्नेह। जिस प्रकार से रोड के ऊपर या सड़क बनी हुई है उस पर आप कोई चीज घसीटते हैं तो बहुत बल की आवश्यकता होती है, लेकिन वही चिकनी सतह हो और उस पर भी आपने कोई पाउडर या तेल डाल रखा है तो सतह अपने आप चिकनी हो जाती है। तो चिकनी सतह उसी तरह से क्या होता है, ये लुब्रिकेंट है। एक्चुअल में लार जो है वो चिपचिपी होने की वजह से भोजन को प्रतिरोध और घर्षण उत्पन्न करने नहीं देती, तो वो क्या है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करती है। दूसरा क्या करती है, मुख में पाचन हो जाता है। किसका हो जाता है? स्टार्च। लार एक ऐसी चीज है जो हमारे मुंह के अंदर जो स्टार्च है, जो भी हम खाते हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो हम चबा रहे होते हैं तब लार उसके साथ में मिल जाती है और लार मिल करके बोलस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बोलस को। जब बोलस बन जाएगा तो बोलस मुंह के अंदर कहीं ना कहीं स्टार्च का पाचन करने में सहायक हो जाएगा। तो हमें बात समझ में क्या आना चाहिए, पाचन क्या करता है, वो स्टार्च का पाचन करना सहायक। दूसरी बात क्या है, भोजन को चिकना बनाती है ना। भोजन को चिकना बनाना मतलब लुब्रिकेंट की तरह कार्य करना एक ही बात है। फिर दूसरा, घुलनशील बनाती है। एक्चुअल में हम चाहते क्या है, हम चाहते भी यही है कि भोजन जो है वो एक जटिल पदार्थ है और उसे किसी भी प्रकार से सरल पदार्थ में तोड़ा जाए। तो सरल पदार्थ में तोड़ने का काम कैसा हो रहा है, तो भोजन को क्या कर रहा है, ये दांतों घुलनशीलता बढ़ा रहा है। घुलनशीलता बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, भोजन आसानी से घुल जाएगा हमारे मुंह में और पेट में जाने के बाद में और आमाशय के जाने के बाद में डिसॉल्व हो सकेगा। दूसरी बात आती है दांतों की सफाई करने और जीभ की सफाई करने में। अगर कल्पना करो कि कभी आपने 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए जीभ को आपने बाहर निकाल के रखा मुंह से, कैसा महसूस होगा, जीभ सूख सी जाएगी।
कुछ सेकंड में आप अपने मुंह को हिलाते हैं और उसके साथ में लार आपके मुंह में आती है और वो आपके पेट में उतर जाती है। ये एक प्रकार का सिंबल है शरीर का सुचारू रूप से चलना। कुछ लोग पहले वाले जो अपने वीडियो में बात करी थी कि अध्याय एक में कि जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, है ना, जो ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं, अब वो उन लोगों के लिए कैसे हानिकारक है। ऐसे लोग जो इस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं उन लोगों के लिए हानिकारक क्यों है, क्योंकि वो भोजन को बार बार चबाना पड़ता है, लेकिन वो उसकी जगह गुटके को चबा रहे हैं तो लार तो स्त्रावित हो ही रही है और लार पेट में भी जा रही है, तो हमारी भूख की जो क्षमता है वो आधी रह जाती है और कहीं ना कहीं हमें भोजन में क्षति महसूस होने लगती है। तो दांतों की सफाई, जीभ की सफाई और मुंह की सफाई करने में भी कौन सहायक है, लार सहायक है। आखिरकार लार ग्रंथियों के कितने प्रकार हैं, तो लार ग्रंथियों के तीन प्रकार है। ध्यान दें, आरबीएससी वाले भी ध्यान दें कि कितने प्रकार है। पहला है कान पूर्व ग्रंथि, कान के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि, कान पूर्व ग्रंथि मतलब कान के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि, जो गाल होते हैं यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए आप देखना हमारे लार जो स्त्रावित होता है गाल के आसपास नहीं होती है। दूसरी होती है अधोजंभ ग्रंथि, अधोजंभ जहां पर निचला जबड़ा जुड़ा हुआ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे, अधोजंभ यानी कि जबड़े के ठीक नीचे। फिर आता है अधोजिह्वा, आप लोगों को बताइए जीभ के ठीक नीचे जहां पर आप मनुष्य की जीभ है, मान लो ये जीभ है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लार ग्रंथियां है और वो लार ग्रंथियां क्या कर रही है, तो किसी भी पदार्थ को हमें निगलने में सहायता कर रही है। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे लार ग्रंथियों का प्रकारों का वर्णन करो, तो कान पूर्व है, अधोजंभ है और तीसरा कौन सा है, अधोजिह्वा। इतने प्रकार की लार ग्रंथियां हैं जिनकी हमने बात कर ली। फिर हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है कि यकृत, आखिरकार यकृत क्या है। यकृत एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। प्रश्न आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इज इक्वल टू यकृत, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। ये कैसी आकृति की, त्रिभुजाकार आकृति, भारी वाला कौन सा, दाया वाला भाग जो है इसका अपेक्षाकृत अधिक भारी है। किसका, यकृत का दाया भाग जो है वो अपेक्षा अधिकृत क्या है, अधिक भारी है, है ना। मध्य पट के नीचे पाई जाती है, हमारे अपने बात करी थी, ये शरीर है मान लो, शरीर के ऊपर वाला वक्ष मध्य पट हो गया और ये उदर हो गया, ये हो गया वक्ष भाग और ये हो गया उदर भाग, पहले भी बात कर चुका हूं मैं, तो इसके नीचे की तरफ पाया जाएगा वो कौन होगा, तो वो यकृत होगा। कितनी पालियां होती है, तो दो पालियां होती है, एक तो दाई होती है एक होती है बाही, है ना, राइट और लेफ्ट दो पालियों के अंदर डिवाइड होता है शरीर के अंदर ये। अच्छा, किस प्रकार की संरचना होती है, तो त्रिकोणाकार संरचना होगी, लेकिन लीवर की कोशिकाएं कैसी है, तो लगभग लीवर में 100,000 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं, 100,000 कोशिकाएं, और 100,000 कोशिकाएं किस आकार की है, तो षटकोणाकार की, षटकोण समझते हैं आप लोग, आगे जाके आप बेंजीन पढ़ेंगे दसवीं बार, तो बेंजीन जैसी संरचना है और षटकोणाकार है, कौन है, षटकोणाकार कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं को यकृत पालियां कहते हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, यकृत पालियां। तो छोटा प्रश्न आ सकता है यकृत पालियां की संख्या कितनी होती है, तो 100,000 के आसपास होती है। अब बात आती है कि आखिरकार यकृत का, यकृत ग्रंथि का कार्य क्या है, तो यकृत ग्रंथि जो है वो पित्त का निर्माण करती है, क्या कर रही है, वो पित्त का निर्माण कर रही है, जो पित्त जाके कहां इकट्ठा हो रहा है, पित्ताशय में जाकर पित्त क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। एक छोटा सा ट्यूब जैसी संरचना होती है, उससे पित्ताशय एक वापस पात्र होता है, जहां पर आकर कौन एकत्रित हो रहा है, पित्ताशय में पित्त का इकट्ठा हो रहा है, और कहां से स्त्रावित हो रहा है, यकृत पे स्त्रावित हो रहा है। ये दो ग्रंथियां निपट जाती है, उसके बाद में आती है अग्न्याशय, शरीर की ये मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि से बोलेंगे ऐसी ग्रंथि जो दो चीज हो, जिसके अंदर अंतःस्रावी हो और बाह्यस्रावी भी हो, उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि। अच्छा, अंतःस्रावी के अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो अंतःस्रावी के अंदर एक तो इसके अंदर स्रावित होता है ग्लूकागॉन या ग्लूकागॉन, अब ग्लूकागॉन स्रावित हो रहा है और दूसरा कौन सा हो रहा है, इंसुलिन। दोनों क्या करते हैं, तो शर्करा जो होती है अपन जो खाते हैं वो शर्करा, उसका नियंत्रण का काम करते हैं। देखो यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अब आपको लगेगा कि शर्करा कौन सी चीज है जो हम शक्कर खा रहे हैं चाय के रूप में, ये तो सारी शर्कराएं ही, साथ साथ में शर्कराएं चावल में, गेहूं में, है ना, और इनसे बने हुए भोजन में भी शर्करा है। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि शर्करा का मतलब खाली शक्कर से नहीं है, शर्करा का मतलब क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर पाया जाने वाला जितना भी ग्लूकोज है ना, वो क्या है, शर्करा है।
तो इनका नियंत्रण का काम करती है। और आपको अच्छी ढंग से याद होगा कि शरीर के अगर अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जैसे ही शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा, इंसुलिन की कमी होते ही आदमी डायबिटीज मेलिटस रोग का शिकार हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस रोग के अंदर क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाने पर रक्त में पाई जाने वाली जितनी भी शर्करा है उस पर शरीर का कंट्रोल हट जाता है। अब शरीर शर्करा को कंट्रोल में नहीं कर सकता, नियंत्रण में नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में वह रक्त अपने साथ में क्या लेके चला जाएगा, अपने साथ में शर्करा को लेके चला जाएगा। और मूत्र जहां पर छानने की क्रिया चल रही है, आगे जाके अपन जनन तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें मूत्र छनन की जो क्रिया होती है वहां पर शर्करा को निकाल देगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस रोग होगा और वह इंसुलिन की कमी के कारण होगा। अच्छा, ये बात हो सकती है कि अग्नाशय की दूसरी भाग कौन सी है, एक होती है बहिस्त्राव ग्रंथि। इसी का भाग कौन सा है, क्योंकि अपने पास में अंतःस्रावी जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करिए, इसमें कहां से करिए, तो लैंगरहैंस द्वीप कोशिका, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका से क्या कर रही है, स्त्रावण कर रही है। अब बात कर रहे हैं अपन कि आखिरकार अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्त्राव ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथि जो कौन है, अग्नाशय है, वह अग्नाशय कहां पर पाया जा रहा है, यकृत, ग्रसनी और तिल्ली। यकृत, ग्रसनी और तिल्ली जो है वो क्या करती है, अग्नाशय को कहने के लिए करके रखने का काम। अब ये देखते हैं कि इसकी लंबाई तो पेंक्रियाज या अग्नाशय की ग्रंथि किस तरह का होता है, पर इसकी लंबाई होती है 12-5 फीट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है ना। ये चैप्टर में हमने देखा है कि लार ग्रंथियां कौन कौन सी। अब बात करते हैं आखिरकार शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार हो रहा है। हमने जैसे ही भोजन को ग्रहण किया, सर्वप्रथम हमारे दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे भागों में काट दिया। भोजन छोटे छोटे भागों में कट जाने के बाद में वहां पर पाया जाने वाला जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, जितना भी स्टार्च था, वो सभी का सभी पाचित होना प्रारंभ हो गया। बीज ने ग्रसनी और ग्रासनाल के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं हुआ, लेकिन आमाशय में जाने के बाद में भोजन का पाचन प्रारंभ हुआ और छोटी आंत में जाकर भोजन का अवशोषण प्रारंभ हुआ। अंतोगत्वा जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जाने के बाद में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि वहां पर जल का अवशोषण अंतिम रूप से कर लिया गया और मल के रूप में त्याग दिया गया। अब यहाँ पर इस चैप्टर में बात करेंगे कब बोलस बना, कब काइम बना, इसके बारे में इस चैप्टर में अपन कंटिन्यू कर। अब बात कर रहे हैं हम पाचन। देखिए पाचन जो है उसके लिए कौन कौन से एंजाइम और कहां कहां पर कौन कौन सी जरूरत होती है। शरीर के अंदर जैसे ही भोजन प्रवेश करता है, तो मैंने पहले ही कहा है कि कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% जो है वो कहां पर हो जाएगा, मुख में हो जाएगा। लेकिन किसी न किसी एंजाइम की या किसी न किसी रासायनिक क्रिया की तो आवश्यकता होती है, बिना रासायनिक क्रिया के संभव नहीं है। देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके लिए एक तो होता है एमिलेज, एक होता है माल्टेज और एक होता है सुक्रेज। आपने वो गाना सुना होगा आन मिलो सजना, तो आन मिलो सजना का एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज, ये चीज एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज इसका पाचन करने में सहायक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक है। उसके बाद में आता है वसा। आखिरकार वसा को डाइजेस्ट कौन करेगा, तो वो करता है लाइपेज एंजाइम। वसा, वसा को कौन पाचन कर रहा है, लाइपेज। और अब मुझे बताइए प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर तीन आएगा, एक तो होगा ट्रिप्सिन, एक होगा काइमोट्रिप्सिन और एक होगा पेप्सिन। आप सब लोग जानते ही हैं, याद रखना आसान है, कोई भी चीज ट्रिक से याद रहती है, इसलिए कहेंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सी होती है इसलिए पेप्सिन। इन सब में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोटीन की पाचन की बात। भोजन जब मुंह में चबाया जाता है तब भोजन को कहते हैं बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। मुख में चबाने पर भोजन को कहा जाता है बोलस। अब बोलस के अंदर 30% आसपास में भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद में कौन मार्केट में आएगा, तो आगे जाने के बाद भोजन पहुंच जाएगा आमाशय। आमाशय में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, किस किस का होगा, वसा का होगा और प्रोटीन का होगा। तो वसा के पाचन के लिए क्या होगा, लाइपेज होगा, और प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होगा, बोलो, ट्रिप्सिन है, हाइपोट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिन है, तो ये एंजाइम काम करेंगे।
जब ये एंजाइम काम कर लेते हैं और भोजन यहाँ से छोटी आंत में निष्कासित हो जाता है तब बन जाता है पाइप। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले भोजन को कह रहे हैं मुंह में कह रहे हैं बोलस और यहाँ पर कह रहे हैं भोजन को काइन। यहाँ पर प्रश्न उत्तर हो सकता है कि काइन किसे कहते हैं, बोलस किसे कहते हैं, है ना, और भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए दूध की आवश्यकता होती है और बच्चे दूध ही पीते हैं, तो दूध पीते हैं तो दूध का पाचन कौन करता है, तो रेनिन। कौन सा एंजाइम दूध का पाचन करता है, रेनिन। ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि छोटे बच्चों में दूध का पाचन करने के लिए कौन होता है, रेनिन एंजाइम होता है। तो अब कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जो पाचन करने में सहायक है, अब वो अपना के देखते हैं। कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पाचन में सहायक करते हैं। देखिए, लाल ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली लाल ग्रंथि, वो क्या करती है, टाइलिन और एमिलेज दो प्रकार की स्त्रावण कर रही है एंजाइम का। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन मुंह में ही करने का काम करते हैं। कौन कौन है, टाइलिन और एमिलेज, है ना। दूसरा होता है हमारा आमाशय। आमाशय के अंदर कौन होता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। आपको मैंने पहले कहा है कि रेनिन जो है क्या करता है, कैसिन और पैरा कैसिन बनाने का कार्य करता है। रेनिन क्या है, कैसिन और पैरा कैसिन बनाने का काम कर रहा है। और ये कहाँ पर होता है, आमाशय के अंदर पाया जाएगा। छोटे बच्चे के अंदर आपने देखा होगा, अगर बच्चा वोमिटिंग कर देता है दूध पीने के बाद में तो दही जैसा निकलता है, वो इसी का नतीजा है क्योंकि डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, अग्नाशय के द्वारा एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिल पेप्टाइड्स बन पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे एंजाइम्स हैं। अच्छा, हमारे पेट के अंदर यानी कि आंत्रों के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मॉल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है, है ना। ये सारे के सारे हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन है यानी कि एंजाइम्स है सारे के सारे। ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, शरीर में पाचन करने का कार्य कर रहे हैं। पाचन की पूरी क्रिया कंप्लीट होने में, ये था हमारा अध्याय संख्या दो का तीसरा वीडियो था। अब बात करेंगे श्वसन तंत्र की, आखिरकार श्वसन तंत्र क्या है, में किस प्रकार का वर्णन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे का जो वीडियो आ रहा है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए और ध्यान से देखिए इस वीडियो को, हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 10th क्लास वालों के लिए विशेष करके मैं कह रहा हूँ, ये सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए है, और जो RS के एग्जाम दे रहे हैं, जो अन्य परीक्षा प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी इनमें से कुछ कुछ प्रश्न मिलने की संभावना है, क्योंकि हम पूरी पूरी किताब की व्याख्या करने के ऊपर निकले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। जय हिंद। पाचन की पूरी क्रिया कंप्लीट होने में, ये था हमारा अध्याय संख्या दो का तीसरा वीडियो था। अब बात करेंगे श्वसन तंत्र की, आखिरकार श्वसन तंत्र क्या है, किस प्रकार का वर्णन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे का जो वीडियो आ रहा है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए और ध्यान से देखिए इस वीडियो को, हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 10th क्लास वालों के लिए विशेष करके मैं कह रहा हूँ, ये सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए है, और जो RS के एग्जाम दे रहे हैं, जो अन्य परीक्षा प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी इनमें से कुछ कुछ प्रश्न मिलने की संभावना है, क्योंकि हम पूरी पूरी किताब की व्याख्या करने के ऊपर निकले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है।